नमस्ते साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज है यवला मंडी और आज की तारीख है 18 जून 2024। हर मंगलवार के जैसे इस मंगलवार भी घोड़े तो आए हैं, लेकिन ग्राहक सवेरे बहुत थे, अभी बिल्कुल ग्राहक नहीं है। लगभग सारा माल मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटर्न ही जाएगा, ग्राहक अभी फ़िलहाल में नहीं, क्योंकि किसान लोग जो है, जो लेने वाले जो मेन ग्राहक है, उनके अभी सभी खेती के काम चालू है, क्योंकि सीजन मानसून स्टार्ट हो रहा है और लगभग कई जगह पे स्टार्ट भी हो चुका है, तो लोगों के किसानों के काम चलते रहते हैं। तो जिस किसान को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो अपने घोड़े सेल करने के लिए ला के रखते हैं, और जो लोग नए घोड़े लेने वाले रहते हैं वो कभी आते हैं कभी, उन पर उनके काम के ऊपर डिपेंड है। तो लगभग अभी मंडी के मैंने कुछ वीडियो ऑलरेडी बना कर अपलोड की है, और अभी एक फाइनली वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको सभी घोड़े बता दूंगा एक ही टाइम में। तो इस घोड़े से स्टार्ट करेंगे हम, ये बच्चा आप देख सकते हो, तीन पैर सफ़ेद है और थोड़ा कमज़ोर है बच्चा, तो आएगा ये 8-9 महीने के आसपास, बाद में ये भी एक घोड़ा ही है, लेकिन इसकी भी उम्र मुझे ज़्यादा लग रही है, कम से कम ये 15 महीने के ऊपर का बच्चा होगा, बहुत ही कमज़ोर है। जिन लोगों को घोड़े ठीक से संभाले नहीं जाते हैं या तो फिर उनके पास में कुछ कमियां होती तो ये हालत पर घोड़े आ जाते हैं। ये देखो बहुत ही पूरा हड्डी का ढांचा हो गया, ये कोई मसल्स नहीं कुछ नहीं। उसके बाद में ये पीछे एक घोड़ा है ग्रे कलर वाला, और बैल, दोनों ये रेस वाले जोड़ी है शायद, घोड़ा और बैल दोनों साथ में है। ये एक व्यापार है यहाँ के लोकल नज़दीकी रहती है, इनके पास में ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो आप देख सकते हैं। ये सारे बच्चे वगैरह हैं, ये जो व्यापार है ये बात करने में थोड़े से हिचकिचाते हैं, बात नहीं कर पाते क्योंकि बुज़ुर्ग है थोड़े, तो थोड़ा शर्माते हैं कैमरे के सामने आने के लिए। ये इनके ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के डाल दी है, ये सारे टट्टू घोड़े हैं जिसे हम भीमपेड़ी भी कह सकते हैं। बहुत सारे घोड़ों में तो आज मैंने जो भी बहुत सारे जो घोड़े देखे इसमें इंजरी वाले जो घोड़े हैं वो काफ़ी सारे मात्रा में यहाँ पे आए हैं, जिनको ज़्यादा इंजरी है, ये भी एक देख सकते हैं। ये भी आप देख सकते हो, पैर बनाने का काम चालू है, कलर भी अच्छा है इसका। लगभग आए तो बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन कुछ अभी रिटर्न जाएंगे। ये भी एक उम्मीद में है, बहुत ही अच्छा घोड़ा है, आप देख सकते हैं। काय कीमत वगैरह लाव ले रही जी? 70,000 लागली किंमत काही आज का नाही? चांगला घोडा आहे, किती माप बीप आहे? 60 येईल त्याचा आहे ना, 60 येऊन जाईल आरामशीर, 60 येईल। आणि रेसला चालवता का? काय नाव घोड्याचं? श्यामा। वा यार, मस्त आहे घोडा, तर छान आहे घोडे वेळात। हा का, काही मारला का नाही? प्राईस बी घेतलं का नाही? हा का, मार्केट के घोड़े हैं जो शेड में सिंगल सिंगल घोड़े बचे हुए जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस बच्चे की भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो निकाली है, 20-22 महीने का बच्चा ही है, अच्छे कंडीशन वगैरह अच्छी कानों की। ये कुछ बच्चे हैं जो पहले पार्ट में मैंने बताए थे, और लगभग ये सारे जो घोड़े हैं आप देख सकते हैं। तो आज कुछ ज़्यादा इतने क्वांटिटी नहीं आई थी घोड़े की, बच्चे यहाँ पे ज़्यादा सेल होते हैं। और कुछ बातें और बता दूँ कि जैसे बहुत लोग कमेंट्स करते कि भाई वीडियो देखने के बाद में, क्योंकि उनको वीडियो देखते हैं और स्किप करते हैं इसलिए उनको पता नहीं चलता। मैं ये भी बोल दूँ कि यवला मंडी ये एशिया की एक ऐसी मंडी है जो 365 दिन
येवला की मंडी भरी रहती, लेकिन मेन जो माल है वो मंगलवार को ही आता है, यानी मंगलवार में बाहर की गाड़ियाँ किसानों को जो घोड़े वो यहाँ पे आते हैं, और वैसे भी जो लोकल व्यापारी है उनके घोड़े यहाँ पे शेड में नीचे बाज़ार में कृषि उत्पन्न बाजार समिति है वहाँ पे हमेशा बंधे हुए रहते हैं। आप कभी भी अगर आ सकते हो तो यहाँ पे विजिट कर सकते हो और घोड़े ले सकते हो, लेकिन मंगलवार को ज़्यादा घोड़े आते हैं। सेकंड बात ऐसी कि बहुत लोग मेरे पूछते हैं कि कौन से वार में रहते हैं, कितने घोड़े आते हैं, घोड़े कब आते हैं, तो ये बार बार बहुत बार सवाल आता है, तो इसका जवाब मैंने बहुत बार वीडियो में दिया है, शायद उन लोगों ने वीडियो वगैरह देखे नहीं होंगे या फिर स्किप किया होगा या वो उस चीज़ पर गौर नहीं किया होगा। तो हर मंगलवार में मंडी भरती है, घोड़े वगैरह कम ज़्यादा आते हैं इसके बारे में कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे घोड़े भी आ जाते हैं, कभी कभी आते भी नहीं है, ये भी एक बात है। और कुछ सब्जेक्ट और कमेंट्स रहती है कि भाई यहाँ पे मादिया आती है क्या, मादी बताओ, तो मादिया इस मंडी में बहुत कम आती है। इसका कारण भी कि इस एरिया में ज़्यादा नर घोड़े लेते हैं लोग, किसान लोग जो है जो घोड़ा और बैल को भगाने के जो यहाँ पे कंपटीशन रहता है उनमें मादिया का काम नहीं रहता है, तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे नर ही घोड़े चलते ज़्यादा है। तो ये भी एक अपडेट आपको दे दूँ। तो ये थी आज की वीडियो लास्ट वाली, जो आपको मैंने सारे घोड़े बता दिए। अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक अगर कुछ अच्छा माल आया तो फिर से एक विजिट होंगी, नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।